सो गाइज़, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बुकरम पे नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है जिसको मैंने टू फोल्ड करके इस तरह से रखा है। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच, 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और लेंथ हम इसकी लेंगे 4 इंच। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें एक बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। इस तरह से देखिए, बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इस तरह से सिंपली इस तरह से गोल शेप दे देनी है नेक के लिए। देखिए, इस तरह से शेप देने के बाद अब हम बाहर से भी एक और मार्किंग करेंगे। तो 1.25 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, 1.25 इंच पे, और इसी तरह अंदाजे से बाहर बाहर से इस पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम अंदर वाली मार्किंग से इसको कट कर लेंगे। अब इस तरह से अंदर से कट करने के बाद अब हम बाहर वाले मार्क से इसको कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने नेक की कटिंग कर ली है बुकरम पे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस नेक को फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब हम इसको बाहर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। 1 इंच कपड़ा हम छोड़ के बाकी सारे कपड़े को इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, कट करने के बाद अब हम कपड़े को इस तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पर कच्ची सिलाई लगा के इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़े को पूरे चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम नेक को इस तरह से बीच से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसका बीच सेंटर पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम इसमें कट लगा लेंगे और नीचे की साइड से हम चौक से इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको अपनी कुर्ती पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने कुर्ती ली है जिसपे हमें नेक को अटैच करना है। तो उसके लिए हमें कुर्ती को इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेना है और इसका भी हमें बीच सेंटर से मार्क कर लेना है, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से इसको कट कर लेंगे बीच से। ये देखिए, ताकि हमें इजीली नेक को अटैच करने में आसानी हो। दोनों कट्स को आपस में इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए, इस तरह से हमें बीच से कच्ची सिलाई लगा के नेक को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने बीचों बीच इसमें सिलाई लगा के नेक को अटैच कर लिया है। अब साइड से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए, यहाँ से भी मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब जो हमने बीच पे कच्ची सिलाई लगाई थी, इसको हम उधेड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, अब हम अंदर के कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कपड़े को कट करने के बाद अब हम अंदर से इस पे कट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो कट्स भी हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम इस तरह से नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो जी, यहाँ पे सिलाई भी हमने लगा ली है, आप देख सकते हो। सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ बीचों बीच अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए बुकरम पे एक डिज़ाइन पहले से कट करके रखा है, जिसे मैंने कपड़े पे पेस्ट किया है। अब इसको हम बीचों बीच यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखो, अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर भी इसको कच्ची सिलाई से अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इस डिज़ाइन को भी यहाँ पर अटैच कर लिया। अब हम अंदर ही अंदर यहाँ पर किनारे किनारे इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम अंदर से इस कपड़े को कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और बाकी कपड़े को भी हम फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम यहाँ पर भी कट्स लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। कट्स लगाने के बाद अब इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो सिलाई भी हमने यहाँ पे लगा ली है। सो गाइस आप देख सकते हैं नेक हमारा बनके तैयार है, और बहुत ही सुंदर और इजी सा डिज़ाइन मैंने आपको आज बनाना सिखाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।